चलचित्र मोहल्ला 80 प्रकरण दिल्ली न्यायालय ने प्रदर्शन किया स्थगित, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकारा। भगवान शिव का अनादर करने वाले चलचित्र मोहल्ला 80 का प्रदर्शन दिल्ली के 30,000 न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। सर्व जनजागृति मंच की ओर से प्रविष्ट की गई याचिका पर न्यायालय ने ये आदेश दिया। वहीं इस चलचित्र के विषय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। इस चलचित्र के विरोध में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन ने लखनऊ खंडपीठ में याचिका प्रविष्ट की है। इस पर 26 जून को हुई सुनवाई में न्यायालय ने केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड को नोटिस भेजकर उसका 30 जून तक उत्तर देने को कहा था। 30 जून को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार के अधिवक्ता एसडी पांडे ने न्यायालय से उत्तर देने के लिए अधिक समय देने की मांग की। तब न्यायाधीश अरुण टंडन और अनिल कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता पांडे को फटकारते हुए कहा कि सेंसर का प्रमाण पत्र मिले बिना चलचित्र की लघु चित्रफित प्रसारित कैसे हुई, ये बताने के लिए कितना समय लगता है। यदि वयस्कों के लिए बना कोई चलचित्र बिना प्रमाण पत्र के प्रसारित हो जाए तो उसका समाज पर क्या परिणाम होगा। इसकी गंभीरता देखते हुए सरकार को शीघ्र उत्तर देना चाहिए। अंत में न्यायालय ने अगली सुनवाई 6 जुलाई को रखी। हिंदुओं, केंद्र की मोदी सरकार हिंदुओं के श्रद्धा स्थलों के विषय में गंभीर होती तो भगवान शिव जी का अनादर हुआ ही नहीं होता। पीके चलचित्र के समय भी मोदी सरकार निष्क्रिय ही थी। ऐसे हिंदू द्रोही सरकार पर विश्वास रखने की अपेक्षा धर्म प्रेमियों के हिंदू राष्ट्र की अर्थात राम राज्य की स्थापना के लिए कटिबद्ध हो जाओ।